सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के सा मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी शुरुआत कह रहा है कि इस नए हफ्ते की सुस्त होगी। 60 पॉइंट के दबाव यानी कि 1/4% कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। मिला जुला सा है एशिया, मिले जुले से थे यूएस के बाजार फ्राइडे को जो प्रिंट आया था, और आज सुबह भी फ्लैटिश नोट पे वहां के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। ये ज्यादातर ग्लोब की स्थिति आपकी स्क्रीन्स पर है, पर स्टेडियम पिच क्राउड वगैरह सब दिखा देता हूँ। एक बार पिच को जरा जूम इन करके पास भी चलेंगे, डॉक्टर साहब देख लेते हैं वो दरअसल है कैसा। उसके बाद वो 20 स्टॉक्स जो आज आपको अपने रडार पे रखने, अलग अलग रीजंस के चलते शायद आज हरकत में हो सकते हैं। हे लीजिए पिच, हरी हरी सी, कैसा मूड है भैया? यार यूएस का मूड तो ठीक है। अपने यहाँ चूँकि ऐसी एक हमने नई परंपरा बनाई है कि चुनाव के दिन थोड़ा सा डगमग करता है मार्केट, तो उस हिसाब से डॉक्टर साहब ने अपना दिमाग लड़ा दिया, हरी बढ़ा दी। बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं मार्केट में वैसे। हालांकि सोशल मीडिया का नैरेटिव पिछले 48 घंटे में बदला है थोड़ा, जो पहले बहुत चल रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो फिर से चेंज हो रहा है। तो ये नॉइस है, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन संकेत के तौर पर देखेंगे तो ग्लोबली बहुत अच्छे संकेत है, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि आधे बहुत पॉजिटिव है कि क्रूड $83 के नीचे भी आ गया है, तो फिर से अब OMCs वगैरह रडार पर रहेंगी जो पहले गिरे थे काफ़ी। मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, चूँकि इलेक्शन है, वोलेटिलिटी रह सकती, तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्लेबाजों में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉलर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यह है मूड मार। चलिए आज के सारे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स रडार पे रह सकते हैं उनकी चर्चा कर ली जाए। एक मिनट, मैं खोल भी लूं अपना मेलर। ABB पहला, हालांकि स्टॉक बहुत बढ़िया चला हुआ है क्योंकि परफॉर्म कर रहा है, कैपिटल गुड्स पे स्ट्रीट का भरोसा बढ़ा हुआ है, लेकिन जो नतीजे हुआ तो वीकेंड आए थे बाकी सराहनीय है। ये Q1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ABB कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, तो जो मार्च तिमाही के नतीजे हैं उसके लिए पहली तिमाही के Q1 CY 24 के नंबर्स हैं और अच्छे हैं। आय 28% साल दर साल का इंप्रूवमेंट, EBITDA उसके सामने 98% का जंप, मतलब कह लीजिए EBITDA डबल होता हुआ। तो आय 24%, 28% बढ़ी, EBITDA 98% का जंप, मार्जिन क्या हुए, तगड़े एक्सपैंड कर गए 11.8 वाले 18.4% पे, यानी कि 660 बेसिस पॉइंट हो गया ये मार्जिन्स में एक्सपेंशन, और मुनाफा इसीलिए 88% बड़ा है। कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत बढ़िया नंबर्स ABB इंडिया की तरफ से। स्वेलिंग ऑर्डर बुक सब कैपिटल गुड्स कंपनीज की हैं, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है और थम्स अप है उसके लिए, सॉलिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अब देखते हैं स्टॉक क्या क्या डिस्काउंट करा हुआ है अपनी जगह, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। दूसरा ऐसे ही इंटरेस्टिंग नंबर था जो कल संडे को दो रिजल्ट्स आने थे, उनमें से एक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे अपन आप BEML के नाम से जानते हैं, इसकी भी हाईलाइट है इसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इसकी भी कहानी सेम है, कैपिटल गुड मार्जिन, स्वेलिंग ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन पे नजर। आय 9% गई है, 9.1 है, क्योंकि साल दर साल आय में 9% का जंप, उसके सामने EBITDA 29% का इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ, मार्जिन्स 380 बेसिस पॉइंट्स का जंप है, 20.7% वाले 24.5% पे मार्जिन्स आए, तो ऑपरेशनली बढ़िया करा और इसीलिए मुनाफा ऑलमोस्ट 63% का जंप आपको नजर आएगा। तो इस कोई कंप्लेंट नहीं इसके नंबर से, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी तरफ से। अच्छा, एक नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं, वो है आरती इंडस्ट्रीज का। थोड़े से नंबर शायद कह लीजिए फीके से, आए 7% बढ़ी, ऑलमोस्ट बाजार एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी म्यूटेड, EBITDA 12.5% बढ़ा, तो मार्जिन में वही सरप्राइज है क्योंकि स्ट्रीट मान के चल रहा था मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के, और वो कॉन्ट्रैक्शन था कि 15.6 वाला 14.3, यानी कि 130 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरेंगे,
उसके सामने आरती इंडस्ट्रीज के मार्जिन दरअसल 40 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड कर गए। तो कहां बाजार मान रहा था 14.3% मार्जिन आएंगे गिर के, और कहां एक्सपैंड होकर मार्जिन आए 16% के आसपास। तो सिर्फ वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। आप लोग वॉच आउट करिएगा आरती इंडस्ट्रीज को, क्योंकि हेडलाइन नंबर्स थोड़े से फीके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तीन हो गए मेरे, तीनों हरे। ओके, पहला स्टॉक है पिरामल फार्मा, और पिरामल फार्मा के नंबर बहुत बढ़िया है चौथी तिमाही में। मतलब एक तरीके से कहें तो कंपनी ने पूरे अपने आप को फिर से खड़ा कर लिया। रेवेन्यू में 18-19% की ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल, और एबिटा 50% बढ़ गया है। मार्जिन 16-21% लगभग 20.8% हो गई है, और आप क्वार्टरली देखेंगे तो और बढ़िया नंबर वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन वहाँ पे भी 13-13.5 से बढ़ के आई हैं। तो पूरी तरीके से कंपनी ने अपने आप को रीइन्वेंट जैसे कैसे कर लिया। तो पिरामल फार्मा ग्रीन में रख के चलिए, नंबर बहुत ही धांसू हैं। सिरमा SGS, इस कंपनी ने पिछले दो क्वार्टर यानी जो थे सेकेंड और थर्ड क्वार्टर बहुत ही खराब दिए थे, बहुत बुरे नंबर थे, लेकिन अब चौथे तिमाही में आके कंपनी ने अपने आप को फिर से दुरुस्त कर लिया है। 63% रेवेन्यू ग्रोथ निकल के आई है, और एबिटा में 28% की ग्रोथ है। मार्जिन 7.2% आया 5.8 से बढ़ के, अभी भी इसमें अपसाइड की गुंजाइश है। तो सीक्वेंसली आप ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी ने पिछले दो क्वार्टर के बहुत बुरे दिन देखने के बाद अपने आप को रिवाइव किया है, और यहाँ से आगे भी इसमें तेज़ी की संभावना बनती है। तीसरा एक लेसर नोन कंपनी है लेकिन बहुत ही शानदार नंबर है, सरला परफॉर्मेंस फाइबर। 105 करोड़ का रेवेन्यू है, 15 करोड़ का प्रॉफिट है, और 11 करोड़ का प्रॉफिट, 15 करोड़ का एबिटा। इतना शानदार नंबर इस कंपनी ने दिए, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं लगी ये, लेकिन नंबर बहुत अच्छे हैं इसके, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तीन हो गए मेरे भी। चलिए अगला स्टॉक जो है APL अपोलो ट्यूब्स, अभी तक हरे थे, ये लाल लेके चलेंगे। आए 7-7.5% ही बड़ी साल दर साल, और ऑपरेशनली दिक्कत में आ गया। जब आए 7% बड़ी तो EBITDA 13-14% गिरा, मार्जिन 7.3 वाले 5% पे 230 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, और इसीलिए मुनाफा साल दर साल 16% गिर गया। ऑपरेशनली खराब नंबर्स, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। टाटा मोटर्स हेडलाइन सब जगह थी मुनाफा बहुत बड़ा, सच है भाई, 5,400 करोड़ रुपए वाला मुनाफा 17,400 करोड़ रुपए आया है। एक वो क्वार्टर था जब इन्होंने रिकॉर्ड घाटा पोस्ट कर दिया था, एक ये क्वार्टर है जो मुनाफा 3 गुना हो गया है। हाँ, अच्छे नंबर्स है वो, मुनाफा ध्यान रखिएगा, लेकिन वन ऑफ के चलते वो टैक्स क्रेडिट है ऑलमोस्ट 81-82 करोड़ रुपीज के आसपास का, उसके चलते ही आप देख रहे हैं स्वेलिंग प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने लाल रखा है टाटा मोटर्स को, इसका कुछ बचाएगा तो इसके प्रॉफिट के नंबर्स होंगे। हालांकि दिक्कत यह है कि नंबर्स जो हैं इनलाइन है या थोड़ा एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि ऑटो कंपनीज में अपन क्या देखते हैं, वॉल्यूम के आंकड़े तो पता होते हैं, ऑपरेशनली कैसा रहा था। एक्सपेक्टेशंस थी मार्जिन 260 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, भाई 250-300 बेसिस पॉइंट लार्जली ब्रोकरेजेस मान रही थी, 210 बेसिस पॉइंट बढ़े, यानी कि आवाज एक्सपेक्टेशन से 50 बेसिस पॉइंट ठंडा ही मार्जिन बढ़ा, तो ऑपरेशनली ठंडे ही हैं जो हम डिस्काउंट कर रहे थे उसके सामने। दूसरी दिक्कत आ गई थोड़ी सी, वो कमेंट्री जो गड़बड़ा गई। अब उसमें ये कह रहे हैं कि FY25 में JLR की मार्जिन गाइडेंस एकदम फ्लैट रहनी, यानी कि मार्जिन पर कोई इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। होगा क्या कि हायर मार्केटिंग स्पेंड करने पड़ेंगे, कुछ हद तक रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट की स्पेंड बिक्री बढ़ रही होगी तो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को निगेट कर देंगे और मार्जिन फ्लैट रहेंगे। ये इनफैक्ट दे गो ऑन टू से कि FY25 डिमांड कुछ रीजन ग्लोबली डिफिकल्ट रहने वाली है, और इसीलिए FY25 के लिए JLR की वॉल्यूम गाइडेंस नहीं दे रहे हम लोग, और उस पर भी Q1 के लिए ये कहते हुए थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री। Q1 मतलब जब क्वार्टर अंडर वे है, कि फ्री कैश फ्लो न्यूट्रल रहेगा, एडवर्स वर्किंग कैपिटल का एनवायरनमेंट है, तो थोड़ी सी कमेंट्री गड़बड़ा गई उधर, ऑपरेशनली थोड़ा सा क्वार्टर गड़बड़ा गया। अभी प्रॉफिट का आंकड़ा हर जगह हेडलाइन जो ग्रैब कर गया, कितना संभालेगा स्टॉक को वो अपनी जगह, पर नंबर्स एक्चुअली थोड़े से सुस्त वाला मामला है।
और फाइनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लाल रखा है क्योंकि ऑपरेशनली थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। खैर NIMs फ्लैट हैं 3.08% वाले, 3.09% पे कोई नहीं, बढ़िया है। एसेट क्वालिटी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, पर ऑपरेशनली क्वार्टर थोड़ा ठंडा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स साल दर साल 4.5-4% गिरे, वो ऑपरेशनली थोड़े ठंडे नंतर के चलते लाल रख रहा, अदरवाइज कई सारे टिक बॉक्स इसने भी चेक करने जैसे कई सारे सरकारी बैंक्स ने करे थे, तो ये लाल है। तो ये तीनों लाल वाला मामला हो गया, तीन नारों के बाद छः हो गए। ओके, चौथा नवामा वेल्थ, और इसके नंबर अगेन बहुत बढ़िया है। 5 साल का अगर आप ग्रोथ देखें तो 44% की ग्रोथ बन के आ रही है, बहुत ही शानदार, और 35% के आसपास रेवेन्यू उछाल और 57% पैट बढ़ा। सारी वेल्थ कंपनीज के नंबर अच्छे आ रहे हैं, उसी कड़ी में इसको भी लेके चलिए। स्टर्लिंग टूल्स एक और छोटी कंपनी है और इसमें भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मुनाफा जो है 13 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ क्वार्टरली और 7 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ ईयरली, और वैसे ही रेवेन्यू आप देखिए 270 करोड़ का है, 211 से बढ़ के नंबर अच्छे हैं, यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वेलस्पन कॉप, इसमें एक खबर है कि इन्होंने एक करीब 611 करोड़ का पाइप सप्लाई का लैटिन अमेरिका कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म किया है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपडेट दिया था कि वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल सकता है, और अब इन्होंने कंफर्म किया कल कि वो कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लग गया है, इसमें 100 पाइप ये सप्लाई करेंगे, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। तो 6 के 6 हो गए ग्रीन। अभी एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अगले 4-4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और देखिए कितनी जल्दी डायरेक्टर वापस आ गए हैं खबर बताने के लिए। अगला स्टॉक है 7वां, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, और इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए आपको। देखो इसमें क्या है, 8% की रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफा 1% गिरा है, एबिटा 4% गिरा है, मार्जिन 2% गिरी है, केवल अच्छा क्या है वॉल्यूम। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप इनके दो बिजनेस है ना, एक रेजिन वाला और एक पाइप वाला, अभी प्लम्बिंग पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोर बिजनेस में दिक्कत है। अभी मैंने इनसे लास्ट क्वार्टर और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर दोनों बार बात की थी, नतीजों पे कॉन्फिडेंस साउंड नहीं कर रहे थे, अभी फिर वैसे नतीजे, तो एक पॉइंट पर कह सकते हैं खाली वॉल्यूम के हिसाब से, अदरवाइज नंबर वीक है और अभी भी ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को। बाकी सारी पाइप कंपनीज अच्छे नंबर पेश कर रही हैं। फिर 8वां स्टॉक है BPCL और 9th स्टॉक है HPCL, दोनों में डिफरेंट कहानी। जैसे UBS ने एक रिपोर्ट निकाली BPCL पे, बाई कॉल दिया, टारगेट 700 का दिया, और नोमूरा ने HPCL पे बाई कॉल निकाली, नहीं उनकी, हाँ उनकी बाई कॉल है, टारगेट 570 का। अब आप ये दोनों ही कंपनीज़ को देखिए, इन्होंने अभी बोनस वोनस दिया था लास्ट वीक, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा चले थे। ये दोनों स्टॉक अल्ट्रा चीप जिसको बोलते हैं उस लेवल पे खड़े हैं, जबकि इस लेवल पे प्राइस है। मार्केट कैप टू सेल्स में HPCL पता आपको कितना है, 0.16, और BPCL शायद 0.27 के आसपास है। बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे दोनों स्टॉक अवेलेबल है, तो शायद इसीलिए UBS और नोमूरा को ये पसंद आ रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि एडवर्स सिचुएशन में भी ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल के दाम बढ़ाने नहीं दिए जा रहे हैं इनको पिछले 1.5-2 साल से, और अभी जून तक कोई संभावना भी नहीं दिख रही है फिर भी, और 80-90 डॉलर के क्रूड पे भी इन्होंने सस्टेन किया, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इनको फोकस करना चाहिए, और बहुत ही वैल्यूएशन लिहाज से सस्ते दोनों स्टॉक। 10वां स्टॉक है पॉलीकैब, ये तो रिजल्ट अच्छे के बाद बहुत ज़ोर से चला भी है। देखो शुक्रवार को भी ये शायद 6-7% चला था, लेकिन इसमें बहुत लोग और बुलिश हो रहे हैं। सिटी ने इस पर टारगेट दिया 7708, 7708 रुपये का। बहुत सारे इन्होंने लॉजिक गिनाए हैं कि एबिटा बहुत 29-30-25 बढ़ेगा अगले 2-3 सालों तक, Q4 में बहुत अच्छी रेवेन्यू दिया इन्होंने। बेसिक वो इस बात पर बिड की जा रही है, अब ये हैवेल्स और ये सारी कंपनीज में, अदर देन AC अलग अलग खेल है। जो रूरल इकोनॉमी में पुश आया ना, उसकी वजह से पंखे, बिजली, स्विच, तार, ये सब बहुत बिक रहे हैं। ये एक बहुत डेवलपिंग स्टोरी है, तो जहाँ पे रूरल इलाके का कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, उस पर फोकस करना चाहिए, और पॉलीकैब नेटवर्क के मामले में इस समय सबसे मजबूत है। तो देखते हैं कितना चलेगा, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महंगा हो चुका है, अत्यधिक महंगा स्टॉक है,
तो वो भी आप एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन सिटी को पसंद आ रहा है, 7708 का टारगेट है पॉलीकैब में। आखिरी के चार स्टॉक्स भाई, पहले ICICI बैंक रखा तो मैंने लाल में। एक अपडेट आया था कि बिजीत भास्कर, जो कि इनके हेड कार्ड्स पेमेंट सॉल्यूशंस, ई कॉमर्स इकोसिस्टम, मर्चेंट इकोसिस्टम, कंज्यूमर फाइनेंस, अरे इतनी पोजीशन ले रखी थी उन्होंने, खैर वो रिजाइन कर गए इफेक्टिव 18 मई, मतलब इस महीने, इस हफ्ते के एंड तक छोड़ देंगे कंपनी को। लाल रखा है, बीच में कुछ ऐसी ऐसी अपडेट्स आ रहे थे तो थोड़ा सा दिक्कत भरे थे, और उसमें एक सीनियर एग्जिट, जरा वॉचआउट करेंगे ये सब क्या चल रहा है। ITDC ऑपरेशनली स्ट्रांग नंबर्स के चलते, जब ऑपरेशनली स्ट्रांग को हाईलाइट कर रहा हूं तो आए तो फ्लैट है, बल्कि 3-4% गिरी साल दर साल, पर उसके सामने इबीटा 62% का इंप्रूवमेंट, कोई 13% के मार्जिन बढ़ के 22% पे, यानी कि 900 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट, और इसलिए मुनाफा जब आए फ्लैट थी 68% का जंप दिखा रहा है। हरा रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वॉचआउट करने वाला स्टॉक है, देखिएगा। जैसे ITDC ने ऑपरेशनली गजब करा था, वैसे मेगमनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनली बहुत मामला गड़बड़ा दिया, पर क्या इन सब स्टॉक्स पे पता नहीं, स्टॉक की चाल कैसी रहेंगी उसको लेकर मैं कमेंट नहीं कर सकता, नंबर्स पे मेंशन कर सकता हूं। बहुत कमजोर, लाल रख रहा हूं इसको मैं। आए 29% ईयर ऑन ईयर गिरी, इबीटा 97% गिरा, 97%, 13.5% के मार्जिन घट के 0.5% रह गए, और मुनाफे में थी 54 करोड़ रुपीज के, 18 करोड़ का घाटा कर दिया। इस तरह से ऑपरेशनली चैलेंजिंग है, तो लाल तो रख रहा हूं, पर ये सारे स्टॉक छोटे हैं, ITDC ये सब मेगमनी अपन जरा वॉचआउट करेंगे। जैसे ICICI बैंक के लिए दिक्कत वाली खबर थी, एक और दिग्गज JSW स्टील के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर, अप्रैल मंथ के अपडेट्स आए इनके, और अप्रैल में क्रूड स्टील प्रोडक्शन केवल 0.4%, मतलब 0.5% भी साल दर साल नहीं बढ़ा, और ये कह रहे हैं कि आयरन ओर की अवेलेबिलिटी को लेकर सीरियस इश्यूज हैं, कर्नाटका माइंस का इंपैक्ट हुआ प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, और उसके चलते इनकी भी कच्चा माल इनको मिला नहीं, तो थोड़े से चैलेंजिंग अप्रैल का अपडेट आता हुआ। इस बीच जब अपडेट ही कमजोर है तो लाल लॉजिकल था, रखना बनता था, हालांकि कमोडिटी थोड़ा सा ग्लोब पर डिपेंडेंट ज्यादा होती है, लेकिन खबर खराब है तो इसको भी लाल रखते हैं। इस नोट पर अपने 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, एक छोटा सा ट्रांजिशन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो इन 10-10 की टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए अब सीधा सौदा की जो 10 की टीम्स हैं उनका रैप अप कर देते हैं। ये जो स्टॉक्स में मेरे सामने 10 स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ किसी ना किसी वजह से हरे और लाल है, वो स्टॉक की चाल पता नहीं कैसी रहेगी, और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर आपको बताएगा, ये ध्यान रखिए। अच्छे नतीजे लगे थे ABB इंडिया के, ऑपरेशनली गजब परफॉर्मेंस, EBITDA डबल हो गया, BEML के मार्जिन बढ़िया एक्सपेंड करके चले गए, आरती इंडस्ट्रीज हैं मिले जुले, मेरे ख्याल से हेडलाइन नंबर्स एक मिस हैं, पर एक पॉजिटिव सरप्राइज है मार्जिन्स, कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन हो गया। APL अपोलो के ऑपरेशनली वीक, टाटा मोटर्स ऑपरेशनली म्यूटेड से और कमेंट्री गड़बड़ा गई, यूनियन बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ठंडे, ऑपरेशनली कमजोर है, ICICI बैंक में एक सीनियर रेजिग्नेशन के चलते लाल लेके चल रहा हूँ, ITDC की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मेगबनी ऑर्गेनिक्स की खराब थी, और JSW स्टील का अप्रैल अपडेट जो है वो कमजोर, काफी लाल हो गए, लेकिन ये 10 के स्टॉक, 10 की टीम। ओके, शुरुआत करते हैं पिरामल फार्मा से, नंबर काफी इनके बढ़िया निकल के आए हैं, और पूरी तरीके से आप पैट पे देखें या मार्जिन पे देखें, नंबर बहुत इंप्रूवमेंट हुए। वैसे ही सिरमा SGS ने भी 2-3 क्वार्टर बहुत बुरे नंबर देने के बाद अच्छे नंबर दिए हैं, सरला परफॉर्मेंस फाइबर, नुआमा वेल्थ, स्टर्लिंग, ये सारे अच्छे नंबर्स पे यहाँ पे रखे गए हैं। Q4 में प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया। वेल्समैन कॉर्प को एक खबर है कि करीब 615 करोड़ का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 100 पाइप सप्लाई का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के नंबर वीक दिख रहे हैं, ऑपरेशनली भी कमज़ोर हैं।
HPBP में एक तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट है, UBS और नोमुरा की, जहाँ पे बाई कॉल इनिशिएट की इन्होंने, साथ ही वैल्यूशन वाइज भी काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं। पॉलीकैब में भी सिटी की बाई कॉल है, काफ़ी ऊंचे टारगेट है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए।